नमस्कार, आप सभी लोगों का रेकी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्ट टेक्निक पे कि कैसे जल्द से जल्द हम मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट मीन्स जो हम चाहते हैं। वैसे तो मैंने इस पे कई वीडियो बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिर भी आज दो तीन ऐसी टेक्निक बताने जाऊंगी जो मैनिफेस्ट करेंगे आपके गोल्स को, जो आप चाहते हैं, आपकी अचीवमेंट्स को। मैनिफेस्ट, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस काम को पूरा करना चाह रहे हैं। हमारी ऊर्जा शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति उस काम को करना चाहती है, तभी वो काम मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्ट करने का अपने कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को हमें फॉलो करना होता है। उन तरीकों के माध्यम से वो जो भी हमारी इच्छा है वो पूरा होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप समझिए, देखिए मैनिफेस्ट कैसे होता है। आपने देखा होगा, कभी आपने किसी व्यक्ति को याद किया और अचानक से वो व्यक्ति आपके सामने आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने कहा मेरा कल मन हुआ था, मैं यहाँ से निकल रहा था, अचानक मेरी इच्छा हुई और मैं आ गया। अरे मैं तो कल आपके बारे में सोच रही थी। तो आपने जैसे ही सोचा वो पूरा हो गया, या आपने सोचा अरे मेरे पैसे वहां फंस रहे हैं, मुझे दे नहीं रहा, अचानक आ जाए और दे जाए। आप एक दिन सोचे थे वो व्यक्ति आया, वो आके तुम्हें आपको पकड़ा गया, उसका कॉल आ गया, या आपने कॉल किया उसने बोला हाँ रखे हैं तुम आके ले जाओ, अरे मैंने अच्छा है कुछ और मांग लेते। कई बार हम कुछ मांग लेते हैं और वो तुरंत हो जाता, तुम कहते अरे ये क्यों मांगा, अच्छा था हम कुछ और मांग लेते, अच्छा हमारा वो पूरा हो जाता। हम ये भी बात कई बार करते हैं अपने से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वो इच्छा कहीं ना कहीं किसी ऐसी यूनिवर्स या कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के पास पहुंची और वो पूरी हो गई। चाहे वो आपके पितृगण हो, चाहे आप एंजल कोस्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई और ऐसी ऑरा हो जो आपकी पूरी कर दी। इसके लिए सबसे पहली चीज आपने समझी कि मैंने इस पूरी बात में किस बात पर गौर दिया है। मैं जिस बात पर गौर दे रही हूं वो बात है आपकी पॉजिटिविटी, कि आपने पॉजिटिव सोचा ऐसा हो जाए या ऐसा हो गया या वो आके मुझे दे जाए और हो गया, लेकिन आपने पॉजिटिव सोचा। कहीं भी हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, अरे उसका ये हो नहीं दे रहा कर रहा, हमने पॉजिटिव सोचा और हो गया कि अरे मेरी इच्छा है कि ये काम हो जाए या फलाना ऐसा व्यक्ति मिल जाए या कोई मुझे कॉल कर ले और वो हो जाता है। आज उस टेक्निक पे बात करूंगी, वो टेक्निक बताने जा रही हूँ। सबसे पहले टेक्निक होती है, आप सोचिए आपको क्या चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए कोई गाड़ी चाहिए और गाड़ी में जब भी आप लेने जाते हैं आपने ऑलरेडी पैसा इकट्ठा किया है, नहीं किया हो नहीं पाता या खत्म हो जाता है या कोई ऐसा खर्चा आ जाता है, या आप कोई घर का प्लान कर रहे हैं, तो एक पेपर लीजिए और उस पर गोल सा सर्किल बना लीजिए। दैट इज कॉल्ड एनर्जी सर्किल, जैसे मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ। उसके बीच में अपनी इच्छा को लिखिए। इच्छा लिखने के बाद में जैसे कि आपको जो घर चाहिए, जिस जगह पे चाहिए, जैसा चाहिए, वो छोटा सा आप उसमें लिख लीजिए। बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, छोटा लिखिए। एंड डेली आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको बोलना है। उसके ऊपर एक स्विच वर्ड लिख लीजिए, दैट इज REACH, रिच। और उस रीच को लिख के अपनी इच्छा को वहां पे बोलना शुरू कर दीजिए। रीच लिखिए, नीचे इच्छा लिख ली, सर्किल के अंदर सारी चीजें सर्किल के अंदर आएंगी। बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए। अगर नहीं समझ में आता वीडियो दो तीन बार देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और रीच लिखने के बाद REACH लिखने के बाद में उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। अब आपको डेली वो बात सोचनी है, 2 मिनट 5 मिनट आप सोच सकते हैं। सोचने के बाद में जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए तब आप चाहें तो उसको पानी में कहीं भी बहा दीजिए। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया क्रिस्टल के माध्यम से मदद लेना। ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, टम्बल्स जिन्हें हम कहते हैं। 5-7 टम्बल्स हमेशा अपने पास रखिए। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, लोगों से कहती हूँ अपने टम्बल्स को, अपने सिम्बल्स को अपने पास अवश्य रखें। इनसे भी एनर्जीज आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो इनको रखिए, इनको, और जब भी ये हाथ में पकड़े अपनी वो इच्छा आपको उस वक्त सोचनी है कि सपोज मैंने ऐसे हाथ में ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, मैं सोच रही हूँ कि भाई ठीक है मेरा अच्छी मेरे पास गाड़ी हो, अच्छा मेरा काम हो जाए, या मेरा कपड़ों की दुकान है, मेरा पार्लर है, वो पार्लर मेरा अच्छे चले, अच्छे ग्राहक आए, मुझे अच्छा पैसा मिले। और इस तरह की इच्छाएं आपको करनी है। ये भी जब आप करते हैं तो आपके लिए बहुत जल्दी एनर्जीज फ्लोट करना शुरू कर देती है। अब जो उपाय बताने जाऊंगी वो बताने जाऊंगी आपको ज्योतिष का उपाय। ज्योतिष के उपाय जो है बहुत पुराने हैं और बहुत कारगत हैं, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ता है।
इतने इजी इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो जब पूरे होते हैं ना तो उसकी फिर काट नहीं होती, इसीलिए वो जल्दी पूरे होने के बाद आपको पूरी ऊर्जा देते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि क्विक जमाना है तो हर आदमी चाहता है शॉर्टकट से जाना। ज्योतिष के उपाय जो होते हैं बहुत तीव्र गति से काम करते हैं और बहुत अधिक जल्दी मैनिफेस्ट कर देते हैं आपके गोल को। अगर आपका कोई काम रुक न रहा है, आपके बहुत सारे ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो किसी ऐसे मंदिर को चुनिए जो किसी पेड़ के नीचे हो, चाहे वो छोटा सा हो, चाहे वहां कोई दीपक ना जलाता हो, बस शांति से कहीं कोई भी मंदिर पेड़ के नीचे वीरान में भी अगर पड़ा हो तो उसको आप ढूंढ लीजिए। बहुत सारे मिल जाएंगे, आप ढूंढने जाएंगे। मैं बड़े मंदिर की, प्रसिद्ध मंदिर की यहाँ बात नहीं कर रही, ऐसा मंदिर की बात कर रही हूँ जहाँ कोई पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर बना लेते हैं लोग, कहीं रखा होता है उस तरह के मंदिर में। वहां जाइए और वहां आपको सिर्फ शाम के वक्त, सुबह किसी भी वक्त जाइए, अगर शिव का मंदिर है थोड़ा जल ले जाइए और एक दीपक जला के अवश्य आइए। अगर वो गंदा है, मान लीजिए थोड़ा सा उसको सफाई कर दीजिए, छोटे छोटे होते हैं, एक मिनट लगता है साफ करने में, वो कर लीजिए। आप झाड़ू वहां पर जाके जरूर रख कर आइए शनिवार के दिन, और इस तरीके से उस मंदिर की थोड़ी सी सफाई और उसके देख रेख शुरू कर दीजिए। आप करके देखिएगा ये उपाय, आप समझ नहीं पाएंगे कितना जल्दी आपकी इच्छा को और रंग को राजा बनाने की भी ताकत रखता है। ये वो उपाय है, मगर ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा, ज्योतिष में हमें प्रयास करने पड़ते हैं और आपकी पीढ़ियां तक उस उपाय से तृप्त हो जाएंगी। जब वहां दीपक जलाएंगे तो उसका प्रकाश आपके जीवन में और आने वाले 7 पीढ़ियों के जीवन में भी रहेगा, कि आपने ऐसी जगह उजाला किया है जो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से उसको की देख रखा प्रॉपर नहीं हो रहा है। चाहे हनुमान जी का हो, चाहे देवी जी का हो, चाहे कोई शिव का हो, या कोई भी हो, लोग छोटा सा मंदिर एक बना देते हैं, उसमें जाके थोड़ा सा अगर आप घंटी चढ़ा सकते हैं तो अवश्य चढ़ाइए। आप छोटी सी घंटी उसमें लगवा दीजिए, तो आप दरवाजा नहीं है दरवाजा बनवा दीजिए, सफाई यानी दीपक जला दिया, तेल फैल रहा है, लोग बड़ी गंदगी करते हैं, उसका भी थोड़ा साफ सकता। अगर मंदिर में आप साफ करते हैं तो आपका शनि की दिशा जो चल रही होती है उस पर बहुत काम करता है। झाड़ू का मंदिर में देना बहुत अधिक काम करता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। ये इच्छा बहुत जल्दी बहुत तीव्र गति से आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करती है। अब लास्ट जो बताने जा रही हूं, दैट इज अ वॉटर एनर्जी। पानी का ग्लास ले लीजिए, उस पानी के ग्लास को आपको एनर्जाइज करना है। उसके ऊपर आप लिख सकते हैं कोई भी अपनी इच्छा, लिखने के बाद या जो आपने सर्किल बनाया उसके ऊपर उस ग्लास को रख सकते हैं। देन आप प्रे तो कर ही रहे हैं आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट हो जाए, और उसको बात करते हैं उस पानी को तैयार करके आपको ड्रिंक करना है। दैट्स कॉल्ड एनर्जी वॉटर। एनर्जी वॉटर पे मैंने सेपरेटली वीडियोस बना रखे हैं। रेखी ज्ञान वॉटर लिखेंगे तो मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे, अपने अनुसार पर्टिकुलर वीडियो निकाल के आप कर सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे मैंने तरीके दिए हैं वहां पे, अगर आप उनको डेली का पार्ट बना लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते। अगर नेगेटिविटी है तो हम नेगेटिव ऑयल बनाते हैं, मनी ऑयल होता है वो हमारा तैयार होता है, आप उसको मंगवाइए, उसके प्रोसीजर्स है उनको फॉलो कीजिए, पॉजिटिविटी आप देखेंगे चेंज होना शुरू हो जाएगी, वाइब्रेशंस मिलेंगी और आपकी क्लीन होने हो जाएगी। हम और आपका चेक करके आपको बताते हैं, और एनर्जीज के थ्रू आपसे कनेक्ट होते हैं, आप उनसे जुड़िए। आप अपनी ऑरा को हमसे दिखाइए, आपकी ऑरा में कहाँ ब्लॉकेजेस है, क्यों ब्लॉक आपके आते हैं वो हम क्लियर करते हैं, हम हीलिंग के माध्यम से आपको ठीक करते हैं, उसके माध्यम से आप जुड़िए, आप हीलिंग अपनी करवाइए हमसे, हीलिंग के माध्यम से आप जुड़ते हैं हमसे, हीलिंग कराते हैं डिजीज पे। हमने तो ऐसे ऐसे क्रॉनिक डिजीज पर भी काम किया है जो कि जब ये सबने बोल दिया अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, और जब हमने हीलिंग की तो एकदम से वो चीज चेंज होना शुरू हो गई, हम उस पर भी काम करते हैं। तो आप हमसे जुड़ते हैं हीलिंग के माध्यम से, आप मनी ऑयल वाटर ऑयल जो हमारा है आपका हमारा वो ऑयल मंगाइए, उनसे आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप सिंबल्स क्रिस्टल्स का यूज कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपनी इच्छाओं को अपनी पावर्स को। आप जब इच्छा करेंगे तो यूनिवर्स तक जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स नोज एवरीथिंग। हमारे पितृगण देवदूत हमारी आंख एंजल्स हमारे लिए हमेशा खड़ी होती हैं, बस हमें पॉजिटिवली उनको कॉल करना और उनसे कनेक्ट होना है। आज मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर मेरे रेखी ज्ञान चैनल को पसंद कर रहे हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।